मौसम का तूफानी मिजाज, आधी तूफान से 36 लोगों की मौत, आधी तूफान से भारी तबाही। ये तस्वीरें हैं मौत के अंधड़ के बाद की, जहां तेज आंधी तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया और कई जानों को ले लिया। आपद की आंधी के बाद घायल इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तो देखते ही देखते घायलों का आंकड़ा 3 दर्जन के पार हो गया, तो वहीं भयंकर आंधी तूफान 36 लोगों को काल के काल में ले गया। 12 डेड बॉडियां आई हैं और 19 घायल हैं, और जो 12 डेड बॉडी में है उसमें 3 बच्चे शामिल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है और ऐसी कोई घायलों के साथ में स्थिति नहीं है कि गंभीर, और 2 ओपन उनके घाव हैं, बाकी सब ठीक है। देर रात तक अस्पताल में घायलों के पहुंचने का तांता लगा रहा। वहीं अस्पताल में इलाज की उचित व्यवस्था न होने पर मरीजों के परिजनों में नाराजगी देखी गई। इस दौरान कुछ मरीज तो स्ट्रेचर के अभाव में इमरजेंसी के अंदर तक नहीं पहुंच पाए। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी SN इमरजेंसी पहुंचे। ACM पंचम सुनील कुमार सिंह ने बताया कि तूफान में रात 12 बजे तक लगभग 12 लोगों की मौत हुई, लेकिन सुबह तक मरने वालों का आंकड़ा 3 दर्जन के पार हो गया। कई किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आए आंधी तूफान ने ग्रामीण इलाकों में जमकर तबाही मचाई। आंधी बारिश और ओलावृष्टि के चलते सैकड़ों पेड़ और होर्डिंग्स सड़कों पर गिर पड़े। इस आंधी तूफान फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा। तूफान से सबसे ज्यादा मौतें खेरागढ़ क्षेत्र में हुई, उसके बाद बाह, फतेहाबाद, इस्मतदौला, तया क्षेत्र में मौतों से गाँव में मातम पसरा हुआ है। आगरा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मथुरा समेत कई जिलों में आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। मौसम विभाग ने चेताया कि मौसम अगले 2 दिनों तक अपने बदले हुए तेवर के साथ आंधी तूफान और बारिश का मिजाज बरकरार रख सकता है। मौसम विभाग ने आंधी तूफान आने की चेतावनी जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के करीब 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में आने वाले 48 घंटों में आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई है। इस संबंध में शासन ने सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 48 घंटों में आगरा, मथुरा, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, तो वहीं बलिया, देवरिया, बहराइच, गोरखपुर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में देर शाम तेज आंधी और बारिश का दौर शुरू होने के बाद आज मौसम का मिजाज असामान्य रहने का अनुमान है। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस।